नाजरीन अब रुख करते हैं उन दो शातिर मुलजमान की जानिब जिन्होंने बहुत ही चालाकी और होशियारी के साथ एक कत्ल की वारदात को प्लान किया और मकतूल के बेटे ने फिल्म से ये आइडिया लिया कि किस तरह से बाप को रास्ते से हटाना है और साथ में अपने दोस्त को भी मुलव्विस करके एक पिस्टल खरीदा और उसकी मदद से बाप के सर पे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और इस वारदात को नामालूम अफराद के खाते में डालने की कोशिश की, लेकिन मुलजमान पुलिस के शिकंजे में आ गए। अब मुलजमान उस कत्ल की वारदात के बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। आशिर, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हूँ। मैट्रिक कब किया? इस 2020 में। उम्र कितनी है आपकी? मैंने जून में 17 का होना है। ऊंची बोलना है। जून में 17 का होना है। जून में होना है। 17 साल का होना है। अच्छा, 17 साल की उम्र से पहले ही 16 में ही आपने अपने बाप को कत्ल कर दिया। कैसे फैमिली बैकग्राउंड है? खाते पीते घर के हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैंने तो प्राइवेट किया है ये मैट्रिक। प्राइवेट किया जी। गुर्बत की वजह से? नहीं। हाँ? ये वैसे मतलब के पापा कहते थे काम वगैरह, मतलब के किसी टाइम वो दुकान पे लटका नहीं होता है, इस वजह से कहते हैं तुम आकर संभाल लिया करो थोड़ा सा। पापा किस चीज का काम करते? इंस्टॉलमेंट का काम करते थे। इंस्टॉलमेंट का जी। साइकिलों की दुकान तो नहीं थी ना उनकी? अच्छा, मैंने समझा इसलिए आप वो उस पढ़ रहे थे, प्राइवेट स्टडी कर रहे थे कि गुर्बत थी आपके घर में। नहीं नहीं, कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं आपने। क्या प्यार भी करते थे पापा? जी। कितना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सी ऐसी सिचुएशन थी कि बाबा आपको आपके बुरे लगना शुरू हो गए? ये इस बात का हमें भी नहीं अभी तक पता चल सका कि क्यों इस तरह मारसा करना शुरू जी क्यों मारसा इस तरह करना शुरू हो गए। तकरीबन 3 महीने से वो अलहदा बैठते थे, मतलब कि हमें नहीं बुलाते होते थे। घर में अक्सर लड़ाई होती थी, झगड़ा वगैरह अक्सर हर किसी के साथ, छोटे बहन भाई उसे लड़ पड़ते थे। 5वीं शादी का बात वगैरह भी करते थे। आप ये बताओ कि कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई। सबसे बड़े हो? जी। ठीक है। फर्स्ट ईयर में कौन से कॉलेज में एडमिशन लिए? सिविल लाइन्स कॉलेज जी। ठीक है, तो क्या हुआ अचानक 3 माह से बाबा को आप बता रहे थे? आपके बाबा अलहदा अकेले बैठना शुरू हो गए थे, अलहदा कमरे में, मतलब किसी को इतना ही बुलाते थे। सबके साथ लड़ाई झगड़ा, छोटी बहन भाइयों के साथ, मामा के साथ, मेरे साथ, सबके साथ, मतलब के गलत बिहेवियर हो गया है काफ़ी अर्से, 3-3 महीने से इस तरह। तो दूसरी शादी 5 बात करते थे, मैंने शादी करनी इस तरह। शादी करनी किससे कहते थे? ये नहीं, इस बात का नहीं मैं बता। नहीं, किससे कहते थे शादी करनी है? घर में किसको कहते थे? घर में बैठे सबके साथ, सबके सामने बात हो रही होती थी, मेरे सामने भी, मामा के सामने भी। अच्छा जी। तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या हुआ? लेकिन हमारे साथ बिहेवियर उनका उल्टा हो, गलत हो गया बहुत ज्यादा। क्या 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 जुल्म करते थे आपके बाबा? मारा करते थे छोटी छोटी बात पे, हर बात पे मारा करते थे। हर बात पे? कौन कौन सी मिसाल के तौर पे? कब नफरत होनी शुरू हुई आपको आपके बाबा से? मतलब बाहर चले गया तो 2 मिनट लेट आया तो उसकी वजह से मारना डांटना शुरू। सबको ही, गलती मेरी थी, लेकिन सबको इस तरह छोटी छोटी बातों पर शुरू हो गए थे डांटना मारना। अच्छा, तो फिर उसके बाद नफरत होनी शुरू हो गई थी। अच्छा, कितनी देर, मतलब 3 माह लगे आपको ये देखते देखते? कभी बाप से बात नहीं की कि क्यों मारते हो, क्यों करते हैं आप ऐसा हमारे साथ, क्या हमने क्या किया? वो सुनते नहीं थे किसी की, उनसे बात की थी लेकिन वो सुनते नहीं, डांटते थे, इसलिए बात करने का हौसला नहीं होता। हाँ, काम वो इंस्टॉलमेंट का ही करते थे? प्रॉपर्टी का भी साथ करते थे। प्रॉपर्टी का भी करते? जी, प्रॉपर्टी का काम करते थे। घर किधर है आपका? हमारा घर क्लब चौक है। कौन सा? क्लब चौक, आमिर रोड। क्लब चौक, ये किस इलाके में आता? डिफेंस में, शादबाग। शादबाग पूरा बताया ना? शादबाग जी, जिस थाने में आप पकड़े गए जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये नफरत बढ़ती चली गई, कभी बाप से बात नहीं की कि आप क्यों करते हो, या न वो सुनते नहीं थे जी। क्या हुआ फिर? उसके बाद मैंने अपने दोस्त अली हसन से मदद मांगी, इस तरह को सारी स्टोरी बताई कि ये वजह जी, ये वजह इस तरह। तो अली हसन से मैंने कहा कि मर्डर करना है इस तरह। तो अली हसन, क्या करना है? किसका? पापा का। क्यों? के नफरत होने शुरू हो गई थी, यार छोटे छोटे काम से, मतलब नहीं रहा जाता था घर में।
इस वजह से। तो फिर अलिया सर से मैंने कहा इस तरह इस तरह, अलिया सर ने मुझे एक मरतबा मना किया, फिर उसके बाद अलिया सर का था ठीक है, अलिया सर ने इस बात के लिए राजी हो गया था। फिर राजी हो गया था, कैसे राजी किया? कि उसको मैंने मनाया था कि यार इस तरह का, इसने मुझे मना किया था कि नहीं करना। कैसे कन्विंस किया एक दोस्त को आपने, बाप जुल्म कर रहा था, किस तरह कन्विंस किया वो बताओ उसको, सारी बात बताओ उसको। नहीं है ये है वो तो अली ना जी, कैसे कन्विंस किया? अली हसन को सारी बात बताई थी कि इस घर में ये हाल ये है, तो ये वो कहता है ये गलत बात है, इस तरह नहीं कर, ये गलत के लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बात पे, पांचवी शादी ये पांचवीं शादी मतलब क्या हो? पहले मतलब सुनिए, आपकी वालदा से कौन सी शादी की थी? चौथी शादी है उनके। चौथी शादी जी। अच्छा, पहली से बच्चे हैं? नहीं, दूसरी से? नहीं, मुझे पहले तीन का नहीं मुझे पता। हाँ, मुझे अब चला मुझे पहले तीन। वो किसने बताया आपको? मुझे चाचू ने बताया था, अंकल ने बताया था, अंकल इंस्पेक्टर ने, इंस्पेक्टर अंकल ने बताया। वो कौन से इंस्पेक्टर अंकल? अंकल शबीर। अच्छा, ये जिन्होंने पकड़ा जी, ये अंकल हैं आपके पुराने जानने वाले? नहीं नहीं, यहीं पे आके मतलब मिला। अच्छा, इनसे पता चला था, मुझे नहीं पता था इस बात। अच्छा, इनसे पता चला जी। अच्छा ठीक है, आपको पता नहीं था तो आपने इसे कैसे फिर बता दिया कि पांचवी शादी करना चाहिए? इसको यही कहा था कि दूसरी शादी का पता है। अच्छा, तब दूसरी पता था, ये तो अब पता लगा पांचवी। अच्छा, वो तीन के ना बच्चे हैं ना कोई चक्कर है, पहली ही समझो आप वो वाली शादी जो आपकी वालदा से की उन्होंने। ठीक है, फिर आपने वालदा को नहीं कहा कि क्या करना चाहिए, ये क्या हो रहा है? वो वालिद का वो उनसे मैंने बात नहीं की, वो अक्सर मतलब घर बैठी थी, तबीयत खराब रहती थी उनकी, अक्सर रात के टाइम तबीयत खराब हुई उनकी, अक्सर बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती थी उनके, पट्ठो खिंचाव वगैरह तो मैं से नहीं देखा जाता, छोटे बहने वगैरह भी रोया करती थी देख के, तो नहीं देखा जाता उनसे। घर के काम पे आपका क्लब चौक में कितने मरले का? चार मरले का। चार मरले जी, उसके अलावा कोई घर नहीं? उसके अलावा हमारा एक फार्म हाउस है। फार्म हाउस भी है, मतलब खाते पीते बाप सारी ख्वाहिशें पूरी फरमाइशें पूरी करता था जी। अच्छा, फिर भी कत्ल का ख्याल आ गया? वो जैसे उससे कन्विंस किया है कत्ल पे दोस्त को, ऐसे हमें भी कन्विंस करो ना, हमें पता लगे क्या क्या जुल्म किए थे, लोगों को भी पता लगे कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम क्यों किया। यही बात है जो आपको मैंने बताई है? नहीं, ये बातें तो समझ नहीं आ रही, जरा खुल के बताओ ना, जरा पता लगे। यही बात है जो मैंने आपके साथ किया, इसी तरह मैंने अली हसन को भी कहा था। क्या कहा था? के घर में लड़ाई झगड़ा होता रोजाना, मुझे भी डांटता छोटी छोटी बात पे, मैं बाहर गया था तो मैं दो मिनट लेट आया हूँ, उसके बाद भी डांट ना मारा इन्होंने सबको भी, मुझे भी सबको डांटा इस तरह की बातें भी। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद प्लानिंग क्या की? उसके बाद प्लानिंग ये की थी कि पापा का मर्डर करना है, तो जिधर मतलब मौका मिला इस तरह तो काट देंगे। जब पापा अकेले हुए तो उस दिन हम फार्म हाउस जा रहे थे, फार्म हाउस गए तो रास्ते में क्या नाम लेते हैं मतलब पापा, ख्याल कैसे आया बाबा का मर्डर करना है? फिल्म देखी थी कोई जी? कौन सी फिल्म? अक्सर मतलब देखा करते थे सारी शूटिंग वगैरह की, सारी फिल्में देखा करते, ये मतलब कि इस तरह की फिल्म तो कोई नहीं देखी, लेकिन मतलब शूटिंग शूटिंग वगैरह की फिल्म देखा करते थे। कौन सी शूटिंग वगैरह की जिसमें कत्ल करते हैं लोगों को? अच्छा, वो मतलब जेन में था कि कत्ल कैसे करना है जी। अच्छा, उसमें प्लानिंग कैसे किस तरह से की? ये हम दोनों ने खुद ही मिलकर बनाई थी प्लानिंग, इस तरह आपके क्या देंगे, इस तरह लड़का आया था कोई, उस मौके पर बनाई थी प्लानिंग हमने, पहले कुछ नहीं मदद किया। किस तरह मतलब ऐसे थोड़ी बात की होगी, इतना बड़ा काम करने जा रहे थे इतनी छोटी उम्र में, तो उसपे कोई वर्क किया होगा, आपस में बैठे हो गए, गपशप लगाई होगी, वो बताओ वो क्या बात हुई? अलिया सिंह से मैंने कहा था पिस्टल है आपके पास, क्या रहा? मेरे पास मेरा दोस्त है वो सेल कर रहा है, तो उसको मैंने फिर उससे मैंने पूछा कितने का, उसने मुझे बताया कि 35 का है, कहता है तेरे पास पैसे हैं? मैं कहा हाँ मेरे पास, मैंने गले में जोड़े हैं पैसे, मेरे पास पड़े हुए हैं, और ईदी वगैरह भी है। कहता ठीक है देख ले, फिर मैंने इसको पैसे ला कर दिए, मुझे पिस्टल लेकर आया। हाँ, पिस्टल लेकर आया, उसके बाद हम फार्म हाउस चले गए थे, तकरीबन एक हफ्ता पिस्टल हमारे पास रहा था, तो उसके बाद हम फार्म हाउस जाकर बैठे रहे थोड़ी देर पापा के पास, तो बैठे रहे तो नमाज वगैरह पापा ने पढ़ी, उसके बाद मैं लेट गया, बुखार था मुझे, तो अली हसन ने पीछे से शूट कर दिया। फिर किधर से? पीछे से, पीछे सर सिर वाली साइड से बैक। हाँ जी जी, गोली मार दी जी। कैसे मारी गोली? तो पीछे खड़े पापा ड्रा में कुछ देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कुछ, तो इसने पीछे से शूट कर दिया। अच्छा, अली हसन कब से दोस्त है? ये मेरा 3-4 साल से दोस्त है। पहले भी इसने कत्ल किया था कोई? हाँ, पहले। फिर इससे कैसे रब्ता किया और इससे कैसे करवाया इतना बड़ा काम? जानता था बाबा, जानते थे इसे आपके? जी। अच्छा, बेटा ही कहते होंगे इसे भी जी।
अच्छा, तो फिर मैं तो पहले मैंने से कहा कि मैं करूँगा, लेकिन वहाँ मेरे में हिम्मत नहीं पा रही इतनी, तो ये फिर इसे हो गया। फिर मैंने इसको पिस्टल पकड़ाया था, इसको मैंने कहा तुम कर दो, मेरे से नहीं हो रहा, तो इसने फिर वहाँ मुझे पकड़ाया, फिर मैंने इसको पकड़ाया, फिर फायर लग गया इसे। आपने नहीं गोली चलाई, इसने मारा, एक फायर मारा बस। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये चला गया था वहाँ से। कहाँ से चला गया? मामा उसे, तो वहाँ पे भी मैं सामने अंकल को बताया कि इस तरह बाहर से लड़का आया, पापा को फायर किया। अंकल, अंकल कौन अंकल? सामने घर फार्म हाउस के सामने रहते थे वो, आ गए। फायर की बात सुन के आए? नहीं, उनको मैंने जाके बताया। क्या बताया? कि सामने लड़का आया तो उसने फायर किया। अच्छा, तो वो चला गया। सीसीटीवी फुटेज ने कैमरे नहीं लगे हुए थे फार्म हाउस पे? नहीं, फार्म हाउस पे कैमरे नहीं लगे थे। अच्छा, बाबा क्या कर रहे थे फार्म हाउस पे? बाबा कुछ भी नहीं, मुर्गे का काम, पोल्ट्री का काम शुरू किया, फैंसी मुर्गी का, तो उसके सिलसिले में वहाँ पे बैठे हुए थे। किसका? पोल्ट्री का काम, फैंसी मुर्गी। हाँ जी। अच्छा जी, तो उसके वहाँ पर मुर्गे वगैरह का दाना डाल रहे थे, दाना डालने के लिए गए हुए थे। अच्छा, सामने वाले अंकल के पास गए फिर? जी, उनको जाके मैंने बताया कि इस तरह बाहर से लड़का आया, फायर हुआ है, तो पापा को फायर मार के चला गया, तो उन्होंने फिर 15 पर कॉल की, फिर मैंने चाचू वगैरह को फ़ोन करके बुलाया उस टाइम। अच्छा, चाचू वगैरह को बुला लिया, ये कत्ल हो गया। ये कत्ल से पहले आते हैं पीछे घर की तरफ दोबारा। वालदा नहीं परेशान होती थी उनके जुल्म से कि आप ही तंग थे सिर्फ? होती थी, लेकिन वो मतलब कि रोया करती थी बैठ कर, लेकिन मेरे से नहीं देखा जाता। हम मतलब जब लड़ाई आपस में झगड़ा हुआ करता था, हमें भी मारते सबको, मतलब सबको एक जैसे ही, मतलब बच्चों को भी, मामा को भी एक जैसे समझा करते थे, जिस तरह हमें मारा करते उस तरह ही ये इस बात से नहीं देखा। तो फिर मामा से मशवरा किया कि मैंने कत्ल करना? नहीं, मामा से इस तरह मेरे कोई बात नहीं, मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ करता था, मैं अपने अंदर से सोचते, मैं अली हसन से जाके बात करता था, फिर ये जाके रोज अली हसन को बताते थे कि आज ये किया, आज वो किया। तो मामा को नहीं, मामा ने नहीं बताया जी। तो वो तो आपकी वालदा तो इस मुकदमे में नामजद है, 109 में उन्होंने मशवरा दिया आपको कत्ल करने का, बताएं। पुलिस अंकल, जो पुलिस अंकल हैं, शबीर अंकल जो बाद में बने, कत्ल करने के बाद अंकल बने हैं ना, पहले तो अंकल नहीं थे, वो अंकल तो कहते हैं आपकी वालदा ने कत्ल का मशवरा दिया आपको। जी, वो कह रहे थे मुझे कि आपकी वालदा ने किया, वालदा ने मशवरा दिया इस वजह से। अच्छा, वो कह रहे थे आपको दिया था, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता जी? क्या दी? पता है मुझे भी, क्यों मत, मेरे से एक दफा बात हुई थी उनकी। वो क्या बात हुई थी वो बताएं। तो मेरे से इस मतलब मर्डर के मामले में बात नहीं हुई थी, मतलब इस बात में बात हुई थी कि देव पांचवी शादी करना चाह रहे हैं, इस मतलब दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। पांचवी फिर आ गया, पांचवी तो अभी पता लगी आपको? वही ना, मतलब कि दूसरी शादी करना, देखो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, हमें भी इस तरह क्यों बिहेवियर कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, ठीक है शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ तो बिहेवियर ठीक रखें, ये वगैरह बात हुई थी। पहले कभी बात नहीं हुई तीन शादियों की, वो तो खत्म हो गई, ना बच्चे ना कुछ ना किसी को मिलने, रिश्तेदारों में भी कभी इस तरह की कोई बात। अच्छा अच्छा, वालदा को ये तनाजा था कि दूसरी शादी कर रहे हैं जी, उनको ये मसला था जी जी। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा फिर आपको? उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने मतलब यही बात की थी कि क्यों इस तरह, ये बताया कि गिला शिकवात करते थे कि क्यों इस तरह कर रहे हैं इस तरह, तो मैंने फिर इस तरह कर दिया मर्डर। आपने कर दिया जी। अली हसन आपकी तरफ आते हैं, क्या ये स्टोरी सारी सुन रहे हो, क्या हुआ? यही सारा कुछ जो इसने बताया है, यही बात है क्या? पांचवी शादी का पहले भी पता था इन्हें कि पांचवी शादी करनी है, इन्हें पहले भी पता था, ये झूठ बोल रहा है ना कि यहाँ से पुलिस अंकल ने बताया इसे जी। पांचवी शादी का पहले ही पता था, पांचवी शादी करा रहे थे और इसकी मामा को तलाक देनी थी, जो बात इसने मुझसे की है, सुना था पांचवी शादी करनी है, मामा को तलाक देनी है, तो इतना तशद्दुद करते हैं, हमें मारते हैं, मामा को मारते हैं, हमें मार ले ठीक है, मामा को मारते हैं, वो नहीं मेरे से देखा जाता, और पांचवी शादी करके तलाक देनी है, वो भी बात करते होते थे, मामू आते थे उनके सामने भी ये बात करते थे कि अपनी ऐसी बहन को ले जाए ऐसे ऐसे ऐसे, वो इस हिसाब से इसने मेरे से बात की थी। तो फिर आपने क्या कहा? मैं दो तीन दफा इसे मना किया पहले बाद में इसने कहा मुझे बस पिस्टल भी ले दो, इसको पता था मेरा स्कूल फ्रेंड है वो इस तरह के काम करता है, पिस्टल वगैरह बेचता वगैरह, कहता बस मुझे पिस्टल दे दे बाकी मैं खुद फिर कर लूँगा। इसको मैंने पिस्टल दे दिया, जब वो फार्म हाउस पर गए थे, फार्म हाउस से पिस्टल मैंने इसे पकड़ाया, इसने फिर ऐसे मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जब वो सामने खड़े हुए थे अंकल, तो फिर मैंने इसके हाथ में थमाया, जब मेरे हाथ में चौथी दफा आया उनका फेस थोड़ा मुड़ गया था, उस टाइम मेरे हाथ से चल गई थी पिस्टल, मेरे हाथ में था उस टाइम चल गई थी। चल गई, खुद ही चल गया पिस्टल? मैंने तो इसको दिया है ना, जब उनका मुंह इधर मेरी तरफ मुड़ा है तब वो डर की वजह से मेरे हाथ में पिस्टल था। मैं चला ना, इसने चलाया ना आपने, मतलब हवा ने कत्ल कर दिया
मेरे हाथ से चलाया ना भैया। आप नहीं चलाया। अच्छा आप क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैट्रिक में। अच्छा मैट्रिक, एक साल पीछे है उससे? जी। कब दोस्ती हुई? 3-4 साल ही हुए हैं। 3-4 साल। कैसे हुई दोस्ती? वो एक ही मोहल्ले में रहते थे। अच्छा तो आपके वालिद क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते। ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आपके वालिद इनके वालिद के दोस्त थे? नहीं नहीं जानते थे? नहीं वो नहीं जानते थे, बस हमारे दोस्त थे। उन्हें पता भी नहीं था? लेकिन इनके वाले तो जिनको कत्ल किया आपने, वो वाले अंकल तो जानते थे आपको? जानते थे। अच्छा जानते थे। क्या कहते थे आपको? क्या मुलाकातें उनसे? बेटा कहते थे? क्या कहते थे? बेटा ही कहते थे जब मुलाकात होती थी।